हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। नाउ इट्स हाई टाइम कि आप बिल्कुल अटेंटिव मोड में होंगे। और अभी हम आज से एसबीसी का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, या जो मुझे लगता है कि ये टेक्निकल चैप्टर्स हैं, इनका एक बार रिविजन हमें कर लेना चाहिए। उनका बहुत जल्दी से रिविजन आज से हम स्टार्ट करेंगे। मैं रेगुलर बेसिस पर आपको कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जहां कुछ कुछ चैप्टर्स के हम रिवीजन डिस्कस करेंगे। बट उन इन चैप्टर्स का रिवीजन करने के पहले आपने बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ लिया हो तो ही ये फ्रूटफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज से। आज दो चैप्टर का हमारा टारगेट है। पहला टारगेट है आज LLP वाला चैप्टर, और दूसरा टारगेट है आपका एक और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज जॉइंट वेंचर एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ट्राई करते हैं आज दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 ऑफ अवर सिलेबस, फॉर्मेशन ऑफ LLP। जहां LLP क्या होती है हम जानते हैं। जल्दी से पहले इसकी करेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है पार्टनर्स से, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट में LLP एक्ट एप्लीकेबल होता है। LLP के लास्ट में LLP या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आपको लिखना होता है। LLP का जो चार्टर डॉक्यूमेंट है, दैट इज LLP अग्रीमेंट। और यहाँ कोई मैनेजमेंट और ऑनरशिप अलग अलग नहीं होती, यहाँ पार्टनर्स ही मैनेज करेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और वो ही शेयर होल्डर्स होंगे जिनको हम पार्टनर्स कहते हैं। नाउ LLP सेपरेट एंटिटी है, तो जैसा कंपनी में होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी है, तो LLP पर केस किया जा सकता है, LLP केस कर सकती है, और पार्टनर्स से LLP का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट LLP का भी इंस्पेक्शन करवा सकती है, जैसे कंपनी का हो सकता है। LLP को इंडिया में रेगुलेट वैसे कहा जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ LLP करते हैं, बट एक्चुअली में वो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। कन्वर्जन की बात तो हम आगे कर ही लेते हैं। LLP का वाइंडिंग अप वॉलेंट्री या ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा, वही राइट आप जानते हो, जैसे कि NCLT। तो IBC पूरा एप्लीकेबल होता है। और LLP एक्ट में पावर है गवर्नमेंट को कि वो कोई भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस LLP पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज में मैं ज्यादा नहीं चाहता, मैं बेसिकली डिसएडवांटेजेस अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ। LLP कभी भी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, तो रिस्ट्रिक्शन है कि आप कैपिटल मार्केट एक्सेस नहीं कर सकते। इंडिया में तो वैसे भी कंपनी के अलावा कोई भी कैपिटल मार्केट जनरली एक्सेस नहीं कर सकता। पार्टनर्स के राइट जो है ना, LLP एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होते हैं। तो एग्रीमेंट इस तरह से बनाया जा सकता है, किसी पार्टनर्स को ज्यादा और किसी पार्टनर्स को कम राइट हो जाए। तो यहाँ वन वोट वन पार्टनर सिस्टम नहीं होगा। यहाँ तो जितनी पार्टनरशिप में आपकी होल्डिंग है उतनी ही आपकी ऑनरशिप, उतनी ही आपकी वोटिंग होगी। नाउ LLP की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हम जो कहते हैं कॉन्फिडेंशियल नहीं रह सकती, क्योंकि LLP को भी एनुअल फाइलिंग करनी होती है, आप जानते हो अब तो ये। और चूंकि एनुअल फाइलिंग करनी है, करेंगे हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भी, फॉर्म 8, फॉर्म 11, तो आपकी भी पूरी इंफॉर्मेशन ROC को फाइल होती है। एंड वंस यू फाइल दिस टू ROC, इट बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो आपके सारे फाइनेंशियल डिस्क्लोज्ड है। नाउ LLP की एक प्रॉब्लम है कि LLP के लिए एक पार्टनर मिनिमम ऐसा चाहिए जो इंडिया का रेसिडेंट हो, राइट। और एक और चीज है कि एक तो ये क्लियर हो गया कि सारे नॉन रेसिडेंट मिलकर LLP नहीं बना सकते, एक पार्टनर शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरी चीज, LLP में FDI बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। LLP में FDI केवल गवर्नमेंट रूट से आ सकती है। अब आप जानते हो FDI के दो रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट है, अप्रूवल रूट। तो गवर्नमेंट रूट से ही आ सकती है FDI LLP में, वो भी उन्हीं इंडस्ट्रीज, उन्हीं सेक्टर्स में, उन्हीं तरह की एक्टिविटीज में आप FDI ला लेकर आ सकते हो जिसमें 100% FDI अलाउड है। तो उन्हीं सेक्टर्स में LLP FDI ला सकती है। पेनल्टीज की यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप नॉन कंप्लायंस करोगे तो ₹100 पर डे पर फॉर्म, जैसे यहाँ पर पेनल्टी के प्रोविजन है। LLP का वाइंडिंग अप बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट जैसे LLP का वाइंडिंग अप वॉलेंट्रीली या NCLT के थ्रू ही होता है, तो वो एक अच्छी खासी प्रोसेस है। इसलिए एग्जिट ऑप्शन और वाइंडिंग अप बहुत आसान नहीं है। नेक्स्ट, LLP को इंडिया में ECB अलाउड नहीं है। नाउ यू नो इट वेरी वेल, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो इंडिया में LLP ECB लेकर नहीं आ सकती, तो आप फॉरेन के पार्टनर से लोन नहीं ले सकते, राइट। या फॉरेन की बैंक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक FI फॉरेन के, उनसे आप लोन नहीं ले सकते, बिकॉज LLP को ECB लेना अलाउड नहीं है, बट कंपनी को ये अलाउड। हाउ टू इनकॉर्पोरेट द LLP, आप जानते हैं ये कि
दो प्रोसेस होंगी, दो स्टेप में होंगी सॉरी। पहली स्टेप रन के थ्रू अप्रूव करवाए नेम, और नेम के लिए क्या क्या ध्यान रखना है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। बेसिकली वही कि किसी और एलएलपी या कंपनी से रिजेम्बलेंस नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नाम नहीं हो, किसी पर्सन के नाम पर उसका ट्रेडमार्क नहीं हो, इवन बोलने में भी राइट प्रोनंसिएशन भी सेम नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी या एलएलपी जैसा। और अगर ऐसा है और आप उन कंपनी या एलएलपी या जिसके नाम पर ट्रेडमार्क है उनका एनओसी ले लेते हो तो फिर आपको वो नेम मिल सकता है। और नेम के लिए क्या करना पड़ता है, रन के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है रिजर्व यूनिक नेम, और उसके बाद फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने होते हैं थ्रू फिलिप राइट फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हालांकि इसके पहले हमको सिखाया गया कि सारे पार्टनर्स के पास डीएससी और डिन होना चाहिए, तो डिजिटल सिग्नेचर, और उसके बाद फिर होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वैसे यहाँ डिन की जगह डीपी यूज होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, बट हम कहते हैं कि अगर आपके पास डिन है तो इट विल वर्क आउट, और फिर डीपी अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर हम ये भी सीखते हैं डिन के लिए अप्लाई कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा DIR 3, जिसमें आपको अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, साथ में एक एफिडेविट, इसके थ्रू अप्लाई करें। डीएससी उसके पहले होनी चाहिए, आपकी डिजिटल सिग्नेचर और किसी एक प्रोफेशनल के डिजिटल सिग्नेचर के साथ अप्लाई करें तो आपको डिन अलॉट होता है। तो सारे पार्टनर्स के पास डी नॉट डीएससी होना चाहिए, ठीक है। तो नेम रिजर्वेशन हमने अभी अभी समझ ही लिया है, और इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पर हम अब चलते हैं। इनकॉर्पोरेशन के लिए फिलिप के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, तो इसको ट्राई करें कि अच्छे तरीके से समझ लें, ना कि इनको रटने में लगे रहोगे कितने डॉक्यूमेंट्स याद करोगे, ऐसे पूरा सब्जेक्ट इसी चीज। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो सारे पार्टनर्स के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, ये तो आप याद ही रख लें, बेसिक केवाईसी, ठीक है। फिर जैसे कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर होता है, वैसे यहाँ होगा कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, यस वी आर रेडी टू बिकम द पार्टनर ऑफ द पर्टिकुलर एलएलपी, और हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है, हमें पता है क्या लाइबिलिटीज आ सकती है, कंसेंट ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, यस एलएलपी में कंपनी भी पार्टनर बन सकती है क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो चूंकि कंपनी पार्टनर बन सकती है एलएलपी की, तो अगर किसी एलएलपी को आप पार्टनर बना रहे हो तो फिर वो पास करेंगे अपने यहाँ बोर्ड रेजोल्यूशन टू बिकम पार्टनर इन योर एलएलपी, तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी साथ में लगानी पड़ेगी। थ्री हो चुका। फोर्थ, सब्सक्राइबर की शीट, कौन कौन पार्टनर बनने जा रहे हैं, कितनी परसेंट शेयर होल्डिंग है, सब्सक्राइबर्स की शीट। नेक्स्ट, ये आपके इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर, आप जो पार्टनर हैं वो किसी और एलएलपी में भी अगर पार्टनर हैं या किसी और कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको उसकी डिटेल साथ में देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करेंगे लाइक इंश्योरेंस सेक्टर, तो पहले इंश्योरेंस सेक्टर वाले रेगुलेटर IRDAI की परमिशन लेकर आना है, तो कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑब्टेंड फ्रॉम सेक्टरल रेगुलेटर। नेक्स्ट, पार्टनर्स के आईडी एड्रेस प्रूफ हो गया। अब एलएलपी के मेन ऑब्जेक्ट की लिस्ट, तो वो तो वैसे भी अभी एलएलपी एग्रीमेंट में होना है। अगर प्रपोज्ड नेम का लाइक टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, तो एनओसी लेनी है ट्रेडमार्क ऑनर से, ये रन के साथ में ही चल जाएगी, आप जानते हो ये। और फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट से उनके नेम को यूज करने के लिए भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, अगर उनके जैसा नेम आप यहाँ यूज कर रहे हैं तो ठीक है, तो ट्रेडमार्क वाले प्रोविजन जैसे। तो हम बात करते हैं ये, इसके बाद आप अप्लाई करते हो फिलिप के थ्रू, और बस उसके बाद आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। तो इनकॉर्पोरेशन में आपको तीन स्टेप्स होती हैं, डीएससी, डिन, रन और फिर फिलिप। तो एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, तो आप जानते हो दो फॉर्म हो गए रन और फिलिप, बट रन के फिलिप के साथ भी आपको ऑप्शन होता है कि जब आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करें तभी आप LLP 3 भी फाइल कर दें, एलएलपी एग्रीमेंट। बट ये भी ऑप्शन है कि पहले एलएलपी बन जाए उसके बाद फिर 30 दिनों में आप एलएलपी एग्रीमेंट सबमिट करें। अब सुनिए, मैटर ये है कि एलएलपी एग्रीमेंट अगर आपने फाइल नहीं किया तो एलएलपी इनकॉर्पोरेट तो हो गई, बट अभी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हुई। तब होगी प्रोसेस पूरी जब LLP 3 भी फाइल करोगे। LLP 3 किस चीज का होता है, LLP एग्रीमेंट का, और उसके बाद फिर आपके LLP के जब वो अप्रूव हो जाता है तब आपके LLP की प्रोसेस पूरी होती है इनकॉर्पोरेशन। एलएलपी एग्रीमेंट कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पर होगा, डिपेंड करता है कि एलएलपी की कंट्रीब्यूशन कितना है, कैपिटल कितनी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और डिपेंडिंग ऑन द स्टेट इन विच यू आर इनकॉर्पोरेटिंग द एलएलपी, उतने के स्टैम्प पर आपको एलएलपी एग्रीमेंट प्रिंट करना।
एलएलपी एग्रीमेंट कैसे प्रिंट होना चाहिए, तो आप जानते हो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल इन द स्टेट। सारे पार्टनर्स को एलएलपी एग्रीमेंट पर साइन करने हैं, दो विटनेस को साइन करने हैं और उसके बाद फिर आपको सबमिट करना। एलएलपी एग्रीमेंट के कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो इधर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बताया जाता है कि एलएलपी क्या है, एलएलपी के पार्टनर्स कौन है, एलएलपी का नाम क्या, एड्रेस क्या, ऑब्जेक्ट क्या, बिजनेस क्या करेंगे, कौन कौन कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग कितनी कितनी परसेंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो बनेंगे उनके राइट्स और ड्यूटीज, जो काम करने वाले लोग हैं उनके, पार्टनर्स के एडमिशन कैसे होंगे, रिटायरमेंट कैसे होंगे, एक्सपल कैसे करना है अगर किसी को भगाना है, एक्सपल्शन कैसे करेंगे, कौन कौन से पार्टनर्स को कितना कितना रेमुनरेशन और कैपिटल पर कितना कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, बैंक अकाउंट कहाँ खुलवाएंगे, कौन ऑपरेट करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है एलएलपी को, और ऑडिट करवाना तब जरूरी है जब कैपिटल या तो 25 लाख से ज्यादा हो जाए या आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाए। एलएलपी की मीटिंग्स कैसे होंगी, अगर किसी को नुकसान होता है पार्टनर्स की वजह से एलएलपी को, तो कैसे इंडेमनिफिकेशन होगा, पार्टनर्स के आपस में डिस्प्यूट्स हो गए तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, लाइक आर्बिट्रेशन के थ्रू। एलएलपी कब तक चलेगी, कोई टर्म है या एट द विल चलेगी, बंद होगी तो बाइंडिंग अप कैसे करेंगे, और दूसरे और इसके अलावा और भी जनरल प्रोविजन जो भी आप लिखना चाहते हैं, ये तो एग्जाम्पल थे सब, ये एलएलपी एग्रीमेंट के कंटेंट होते हैं। अब हमें आना है इस पॉइंट पर, सीखना तो ये है एलएलपी में ऑल्ट्रेशन, और ऑल्ट्रेशन का पहला रीजन आया पार्टनर्स का चेंज। वो तो दो तरह से हो सकता है, या तो पार्टनर हट रहे हैं, हटते भी दो तरह से, रिटायरमेंट या डेथ, या पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, राइट। अब हम सबसे पहले तो एक चीज कि जब भी ये पार्टनर्स रिटायर होंगे या एडमिट होंगे, एलएलपी एग्रीमेंट चेंज होगा, तो आपको एलएलपी 3 फाइल करना है, ठीक है, और फिर आपको साथ में फाइल करना है एलएलपी 4, ठीक है। तो एलएलपी 4 का भी यहाँ रेफरेंस आएगा, यस ये हाँ एलएलपी फॉर्म 4, तो दो फॉर्म की जरूरत है, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4। अब फॉर्म 3 के साथ में तो आप क्या लगाओगे, नया एलएलपी एग्रीमेंट, है ना, सप्लीमेंट्री एलएलपी एग्रीमेंट, और एलएलपी फॉर्म 4 के साथ में क्या लगाओगे, अगर पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो एविडेंस ऑफ द सेसेशन, अगर डेथ हो गई तो डेथ डेथ का प्रूफ लगाओ, डेथ सर्टिफिकेट लाइक, या अगर पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो उनका क्या बोल सकते हैं उसे, जो उन्होंने रिजाइन किया तो रेजिग्नेशन लेटर लगाओ, इसे कहते हैं एविडेंस ऑफ सेसेशन, ठीक। लेकिन अगर पार्टनर एडमिट हो रहे हैं तो एलएलपी 4 के साथ में क्या क्या फाइल होगा, कंसेंट लेटर, जो आपने फिलिप के साथ में लगाया था पार्टनर्स की कंसेंट, अगर पार्टनर का भी पास्ट में नाम चेंज हुआ है तो इस चीज़ का एफिडेविट, प्रूफ ऑफ नेम चेंज, ये जरूरत नहीं है। अब ये काम की चीज़, अगर पार्टनर कोई कंपनी है तो उनका बोर्ड रेजोल्यूशन जो वहां पास हुआ होगा, ठीक तो अब आपसे क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम कि एक पार्टनर की चेंज हो रहे हैं, एक पार्टनर हट रहे हैं, दूसरे पार्टनर आ रहे हैं, तो इसकी प्रोसेस देखें, तो आप पहले लिखोगे कि हमें एक तो सप्लीमेंट्री डीड बनानी पड़ेगी, उसके लिए एलएलपी 3 फाइल करना है, फिर चेंज इन पार्टनर्स के लिए एलएलपी 4 फाइल करना है विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका एविडेंस ऑफ सेसेशन, जो उसके लिए लगाएंगे हम रेजिग्नेशन लेटर, जो एडमिटिंग पार्टनर है एडमिटिंग पार्टनर का कंसेंट लेटर, ठीक है। तो और कई लोगों को डाउट आता है कि सर पार्टनर पहली बार बन रहे हैं तो, या फिर उनके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सब आप साथ में लगाना हो सकता है मांगे, तो आपको लगाने पड़ते हैं, फिर अटैच करने पड़ते हैं, ठीक है। उनके पास भी डीएससी और डिन होना चाहिए डेफिनेटली, ओके। और अगर ये कंपनी है तो वहाँ पास हुआ बोर्ड रेजोल्यूशन कंपनी को अगर पार्टनर बना रहे हो तो, और फॉर्म 3 और फॉर्म 4 फाइल होंगे, अप्रूव होंगे, तब जाकर पार्टनर चेंज होंगे। नाउ एलएलपी का नेम चेंज, नेम चेंज दो तरह से हो सकता है एलएलपी का, या तो बिजनेस रीजन कि आप खुद करना चाहते हो नेम चेंज, या दूसरा रीजन कि गवर्नमेंट ने आपको इंस्ट्रक्ट किया कि आपकी एलएलपी किसी ऐसे नाम से बना दी गई जो ऑलरेडी किसी एलएलपी का नाम था, तो गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्ट करेगी कि अपना नाम चेंज करो। अब आप नाम चेंज कैसे करेंगे, आप जानते हो, उसके लिए आपको रन फाइल करना है सबसे पहले, ठीक है। रन फाइल करें, आपके बोर्ड मीटिंग बुलानी, आपके पार्टनर्स की मीटिंग हो, पार्टनर्स रिजोल्यूशन पास करें, और फिर एलएलपी 3 भी फाइल होगा, एलएलपी 5 भी फाइल होगा, क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट में भी नाम चेंज।
रन फाइल किया, आरओसी ने नाम अप्रूव कर दिया, तो आप उसके बाद LLP 3 और LLP 5 फाइल कर दें भाई। तो आपको समझ में आ गया, पहले अब यहाँ अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, पहले रन रन के साथ में लगा देना अपना बोर्ड पार्टनर्स की मीटिंग का रिजोल्यूशन कि हमने रिजोल्व किया है कि हम चेंज करेंगे नाम, फिर उसके बाद LLP 3 और LLP 5, LLP 3 के साथ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, सप्लीमेंट्री LLP एग्रीमेंट, और LLP 5 के साथ इस बात की एप्लीकेशन कि हम आपको नेम चेंज करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फिर आपको दे। ये बड़ा टॉपिक था शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तीन तरह से हो सकता है, सेम स्टेट, एक सीसी से दूसरी सिटी या उसी सिटी में सेम स्टेट, दूसरा एक ही स्टेट में लेकिन एक आरओसी से दूसरी आरओसी, बेस्ट एग्जांपल पुणे टू मुंबई, और तीसरा इंदौर टू जयपुर, एक स्टेट से दूसरे। ये प्रोसेस आसान है, सबसे पहले पार्टनर्स की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करें, एड्रेस चेंज करना है आपको, सिक्योर्ड क्रिएटर की परमिशन तभी चाहिए जब आप स्टेट चेंज कर रहे हैं, फॉर्म कौन सा फाइल होगा, फॉर्म फाइल होगा 15, तो 5, 4 है पार्टनर्स के चेंज, 5 है नेम का चेंज, 18 है सॉरी 15 है रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज, तो फॉर्म 15 फाइल होगा तीनों चीजों में। देखो कब फाइल होगा, चेंज करने से 30 दिन में, मीन्स जिस दिन आपने मीटिंग की वहां से 30 दिन में, तो आपने पहले बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया होगा, तो प्रोसेस कैसे लिखनी है, कॉल अ बोर्ड, कॉल अ मीटिंग ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की मीटिंग बोला, रिजोल्यूशन पास करें, फिर फॉर्म 3 और फॉर्म 15 फाइल करें, कोई पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है इस पहले वाले टेबल में, सिक्योर क्रिएटर्स की परमिशन कोई रिक्वायर्ड नहीं, टाइम रिजोल्यूशन पास करने से 3। सेकंड, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, पूरी प्रोसेस सेम जो आपने अभी देखी, और एक स्टेट से उसी स्टेट में लेकिन आरओसी चेंज हो रहा है तब सेम प्रोसेस, लेकिन एक स्टेट से दूसरी स्टेट आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट भी लेनी है, दूसरा आपको पब्लिक नोटिस भी देना, एडवर्टीजमेंट भी देना पड़ेगा न्यूज़पेपर के द्वारा। तो फॉर्म 15 फाइल करने से 21 दिन पहले आपको न्यूज़पेपर में नोटिस देना, राइट, मिनिमम 21 दिन पहले, और मैक्सिमम यहां से 30 दिन में, नोटिस पब्लिश होने से 30 दिन में आपको फॉर्म 15 फाइल करना, तो फॉर्म 3 फॉर्म 15 फाइल होगा। कुछ लोग कहेंगे फॉर्म 3 क्यों, मैं कहता हूँ आइडियली फॉर्म 3 शुड बी फाइल, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा रहता है एग्रीमेंट, तो वो चेंज होना चाहिए, फॉर्म 3 होगा फाइल। तो कंसेंट चाहिए पार्टनर्स की, कंसेंट के बाद सिक्योर क्रिएटर की, 15 नोटिस पब्लिक नोटिस आपको नोटिस पब्लिश करना है, और फिर फॉर्म 15 फाइल। लास्ट टॉपिक जो हमें काम का यहाँ पढ़ना है, LLP को कौन कौन से एनुअल कंप्लायंसेस करना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्म 11, फिर पढ़ेंगे फॉर्म 8। फॉर्म 11 है एनुअल रिटर्न, फॉर्म 8 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग, कोई बैलेंस शीट P&L अकाउंट आपको फाइल करना है, फॉर्म 8। एनुअल रिटर्न क्या क्या हुआ साल में, क्या आपने कभी नेम चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, पार्टनर्स चेंज हुए, इन सब का लेखा जोखा आपको एनुअल रिटर्न के थ्रू देना है। कब तक दे देना है, ईयर खत्म होने से 60 दिन में, क्योंकि इसमें तो कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ईयर कंप्लीट होने से 60 दिन, मतलब 30 मई डेट आ जाती है, लेट करोगे ₹100 पर डे की पेनल्टी। लेकिन क्या ये CS से अप्रूव करवाना है, आंसर है नहीं, लेकिन अगर LLP का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज्यादा है, आपका ये एनुअल रिटर्न सर्टिफिकेट सर्टिफाई करना करवाना होगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, काम की चीज। फॉर्म 8, अब एक डाउट क्लियर ही कर लेते हैं, क्या कंपनी की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होगा, आंसर है डिपेंड्स। तो सर ऑडिट नहीं होगा उसके बाद भी स्टेटमेंट फाइल होंगे, आंसर है यस, चाहे ऑडिट हो या नहीं हो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल फाइल करने फॉर्म 8 के, बैलेंस शीट और P&L लगाओ, और अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर 25 लाख से ज्यादा है, तो ऑडिट भी होगा और फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर, कब तक करने हैं, हर साल की 30 अक्टूबर तक, मीन्स बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, 7 महीने का टाइम दे दिया टेक्निकली, तो 30 अक्टूबर तक आपको ये फाइल करना है LLP के, ₹100 पर डे की पेनल्टी लेट फाइल। और इनकम टैक्स रिटर्न, अब तो आप ये पूरा अच्छे से पढ़ भी सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है, ठीक है, कब फाइल करना है, इट डिपेंड्स। अब आपको ड्यू डेट्स याद है, पहले तो हमने छोड़ दी थी कि आपको इनकम टैक्स में पढ़ने को मिलेगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन ड्यू डेट 3 होती है बच्चों, आप जानते हो बहुत अच्छे से, अगर इसका ऑडिट हुआ है तो ड्यू डेट हो जाएगी 30 सितंबर इनकम टैक्स के रिटर्न की,
अगर आप पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले, तो ड्यू डेट हो जाएगी 30 नवंबर 92 तभी एप्लीकेबल होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है आपने किसी एसोसिएट के साथ कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की, और अगर इन दोनों में ही आप कवर नहीं होते, नॉर्मल एलएलपी है, तो आपको डेट एप्लीकेबल होगी 31। तो अगर ऑडिट होना है तो ऑटोमेटिकली 30 सितंबर हो जाती है फिर इस एक्ट में या किसी और एक्ट में ऑडिट। इनकम टैक्स में ऑडिट कब होता है? जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यू नो इट वेरी वेल। इवेंट बेस्ड कंप्लायंस ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, नाम चेंज पर क्या होगा, एड्रेस चेंज पर क्या होगा। ड्राफ्ट एलएलपी एग्रीमेंट हम अभी पढ़ना नहीं चाहते, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम का। तो फाइनली ये हुआ हमारा एक पहला चैप्टर खत्म रिविजन के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वाइंट वेंचर इन स्पेशल पर्पस व्हीकल। सबसे पहले पढ़ेंगे ज्वाइंट वेंचर। ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए कि ज्वाइंट वेंचर एक कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस करने का मतलब एक तरीका है, ये कोई कंपनी एलएलपी जैसा एक बिजनेस का फॉर्म नहीं है, ये तो बिजनेस करने का एक तरीका है कि दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर बिजनेस कर रही है। हालांकि अब वो बिजनेस करने के लिए कोई नई एंटिटी ही क्रिएट करेंगे जो फॉर्म एलएलपी या कंपनी के फॉर्म में है, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर किसे कहते हैं? तो दो या ज्यादा पार्टी जब एक कमर्शियल एंटरप्राइज स्टार्ट करती हैं, राइट, उनकी इंडिविजुअल एंटिटी के अलावा एक साथ में मिलकर जब एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। और ज्वाइंट वेंचर में हमें एक बात समझ में आती है कि बिजनेस एंटिटीज, कॉर्पोरेशंस, पार्टनरशिप एटसेट्रा, ये लोग ज्वाइंट वेंचर बहुत बनाते हैं, राइट। ज्वाइंट वेंचर या तो होता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, या तो पैसा साथ में लगाते हैं, सर्विस या फिजिकल असेट्स, या सबका कॉम्बिनेशन भी कई बार हो सकता है। तो जनरली जब बिजनेस एंटिटीज जो जिनकी इंडिविजुअलिटी में कैपेसिटी नहीं है, या तो फाइनेंशियल कैपेसिटी या टेक्निकल कैपेसिटी या स्टाफ वाली कैपेसिटी, या हो सकता है गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन है कि फॉरेन का तो कोई पर्सन आकर 100% एफडीआई कर ही नहीं सकता इंडिया में, अब फिर भी उसको इंडिया में आकर बिजनेस करना है तो इंडिया कोई पार्टनर ढूंढना ही पड़ेगा ज्वाइंट वेंचर। तो देट मे बी रीजन जिस वजह से ज्वाइंट वेंचर ऑपरेट होते हैं। अब एमएनसीज को इंडिया में बिजनेस करने के तरीके क्या है? एमएनसीज के पास क्या केवल ज्वाइंट वेंचर? नहीं, वो इंडिया में आकर एक नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इंडिया में आकर एक कंपनी बना लें, सब्सिडरी कंपनी, इंडिया में आकर प्लेस ऑफ बिजनेस खोल दें, फिर उन्हें हम फॉरेन कंपनी कहते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, या वो अपनी यहाँ फ्रेंचाइजी दे दें या अपनी ब्रांच खोल दें, उसके थ्रू ही फिर वो फॉरेन कंपनी होंगी प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर वो इंडिया में आकर किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। यहाँ एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग ज्वाइंट वेंचर, फिर मेरा इतना ध्यान इस पर नहीं, मेरा डिसएडवांटेज पर ज्यादा ध्यान होगा, स्टिल इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जब दो या उनसे ज्यादा लोग मिलकर आप काम करेंगे तो प्रॉफिट भी शेयरिंग होगी, रिसोर्सेज की शेयरिंग तो होगी ही, बट सबसे बड़ा एडवांटेज है कि रिस्क शेयरिंग होगी। तो उस नए बिजनेस में अल्टीमेटली आपकी अकेले की रिस्क नहीं होने वाली है, सारे ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स की रिस्क होगी। क्योंकि हम चीजों को अक्यूमुलेट करके बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे ऑपरेशंस का स्केल थोड़ा सा बढ़ेगा, और जब हम बड़े लेवल पर काम करते हैं तो हमें बड़े लेवल पर काम करने के फायदे मिलते हैं, जिसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तीसरा, मार्केट एक्सेस। फॉर एग्जांपल किसी इंडिया के पर्सन को यूके में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो बेटर है यूके की किसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी के साथ अगर आपका ज्वाइंट वेंचर हो जाए तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पर्सन आपको वहां का मार्केट बहुत आसानी से एक्सेस करवा सकता है, और इसी तरीके से आप फिर अलग अलग कंट्री में जाकर अपनी अप्रोच क्रिएट कर सकते हो, तो आप ग्लोबल मार्केट एक्सेस कर पाओगे। नेक्स्ट, जब हमें अदर एंटिटीज या अदर बिजनेस को अक्वायर करना होता है तो हमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारी टीम चाहिए होती है, तो उसके लिए बेटर है कि फिर हम अगर ऐसे एक्विजिशंस करने हैं तो किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ में आ जाती है कॉस्ट एफिशिएंसी। बड़े लेवल पर काम करोगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है, हमारे इस ऑपरेशंस बढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कम होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट भी कम लगती है। नेक्स्ट, आप ज्वाइंट वेंचर का काम करने जा रहे हो डजंट मीन कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस रुक जाएगा, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चलता रहेगा, आपके पार्टनर का भी एग्जिस्टिंग बिजनेस चलता रहेगा, और दोनों मिलकर आप एक नया बिजनेस चलाएं, तो आपका अपने बिजनेस पर आपकी फ्रीडम है, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी।
मुझे ज्यादा फोकस करना है डिसएडवांटेजेस पर, क्योंकि डिसएडवांटेजेस से ही नई चीज निकल कर आएगी. व्हाट स्ट्रेटेजी वी शुड ऑप्ट ताकि डिसएडवांटेज क्रिएट ना हो. राइट, तो डिसएडवांटेज हम फोकस करते हैं. पहला डिसएडवांटेज, ये जो आप कह रहे थे ना कि आपका बिजनेस तो आप चला ही सकते हो, जॉइंट वेंचर वाला भी चलाओ तो फ्लेक्सिबिलिटी है. बट कई बार क्या होता है कि आपने जॉइंट वेंचर किया, जॉइंट वेंचर वाली पार्टी के साथ में आपका एग्रीमेंट हुआ. अब उसमें हुआ क्या कि सामने वाले ने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी है, आपने कैपिटल कम कंट्रीब्यूट की है, इसलिए अब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है. तो फिर इस पार्टनर को जॉइंट वेंचर वाले बिजनेस पर बहुत ज्यादा टाइम अलॉट करना है, तो वो अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाते इस वजह से, क्योंकि जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड फुल कंसंट्रेशन फ्रॉम यू, तो आप अपना बिजनेस कैसे करोगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड हो जाए. नेक्स्ट, कई बार एग्रीमेंट नहीं, एक पार्टनर इन्वॉल्व भी नहीं होता है, कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है ढंग से, तो इन्वॉल्वमेंट इक्वल होना चाहिए ना. तो इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो आपको ज्यादा फिर काम करना पड़ेगा, तो उस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास ज्यादा आ जाएंगी अचानक से. तो इक्वल इन्वॉल्वमेंट कई बार पार्टनर्स का नहीं होता. नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर अगर हो रहा है आप लोगों का, तो एक तरह से आपके एम्प्लॉयज भी आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए साथ में मिलकर काम करेंगे, तो आपके एम्प्लॉयज और उनके एम्प्लॉयज का वर्किंग कल्चर बहुत अलग है, आपका मैनेजमेंट उनके मैनेजमेंट में वर्किंग कल्चर बहुत अलग है. तो क्योंकि डिफरेंट कंपनियां फ्रॉम डिफरेंट होराइजन अक्रॉस द ग्लोब, तो लेक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, काम करने की स्टाइल अलग होती है, तो इस वजह से क्लियर कम्युनिकेशन हो नहीं पाता और ये प्रॉब्लम आती है कल्चरल डिफरेंस की वजह से. तो क्लियर कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम है, कल्चरल डिफरेंस भी, आप इसको समझ सकते हैं. नेक्स्ट, इसीलिए जॉइंट वेंचर बिजनेस करने के लिए, कि आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरत है एक्सटेंडेड रिसर्च एंड प्लानिंग की. एक और प्रॉब्लम क्या, कि अगर आपने सोचा कि फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया में एस्टेब्लिश्ड मार्केट है, एक फॉरेन का पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है कि हमें इस बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम आपको पैसा बहुत अच्छा दे सकते हैं. तो आपने एक्सपांशन के लिए उनसे पैसा लिया, खुद ने स्किल्स लगाई, बिजनेस स्टार्ट कर लिया जॉइंट वेंचर, बट तब तक उस पार्टनर ने आपके पूरे जॉइंट वेंचर आप करके आपके साथ आपके बिजनेस के सीक्रेट समझ लिए. और अगर ऐसा हुआ और ये ट्रस्ट वर्थी पार्टनर नहीं था, तो कुछ समय में तो जॉइंट वेंचर ब्रेक होगा और ये आपका कॉम्पिटिटर बनकर आपके सामने जाएगा, क्योंकि आपने अपना बिजनेस करना उसको सिखाया. बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो अनरिलायबल पार्टनर्स की वजह से प्रॉब्लम होती है और फिर उसके बाद वो कॉम्पिटिटर क्रिएट हो जाता है. नाउ व्हाट स्ट्रेटेजी वी शुड ऑप्ट, पॉइंट नंबर, सबसे पहले देखें सोचें. मैं हर बार कहता हूं, जैसे आप लेते मजाक में हो, बट वो बात बहुत सही, कि कोई भी रिश्ता टूटे बट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि कोई भी रिश्ता, किसी भी रिलेशन को स्टार्ट करने के पहले बहुत अच्छे से सोच लें, समझ सामने वाले के बारे में पता लगा लें, इसका पिछला रिश्ता क्यों टूटा था, जिसको आप ब्रेकअप कहते हो. तो पार्टनर ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करें, पार्टनर स्ट्रांग हो और ट्रस्ट बन, इसके लिए आपको पार्टनर्स की हिस्ट्री देखनी चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड. एक साथ बड़े बड़े वादे ना करें, ये भी आप जानते हो, अगर प्रॉब्लम होती है फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है और एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती है. तो जॉइंट वेंचर रिलेशन को धीरे धीरे डेवलप होने, इसीलिए स्टार्टिंग में बड़े लेवल पर काम ना करें, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएं. जब पूरा ट्रस्ट क्रिएट होता है, उसके बाद आप फुल फ्लेवर्ड तरीके से जॉइंट वेंचर. पॉइंट नंबर थ्री, सबसे बड़ी बात जो आएगी ना आगे के भी पॉइंट्स में, उनका बेसिक मुद्दा है कि एग्रीमेंट बहुत अच्छे से बनाया जाना चाहिए, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट अच्छे से बनेगा तो अधिकतर चीजें पेपर्स पर होंगी क्लियरली. तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए दोनों पार्टनर्स, उसके लिए आपके एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से चीजें लिखी हुई हो, बहुत क्लियरिटी से चीजें लिखी हुई हो, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. तब कौन क्या प्रोवाइड करेगा, वो एग्रीमेंट बहुत अच्छे से बनना चाहिए. एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए ताकि सारी चीजें क्लियर हो, डिफाइंड हो, कोई एम्बिग्यूटी ना रहे. नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर स्टार्टिंग में बहुत बड़ा ना बना,
स्टार्टिंग में ज्वाइंट वेंचर का स्कोप लिमिटेड रखें और धीरे धीरे फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इस तरीके से बनाएं, ये भी अग्रीमेंट की खास बात है, कि आपका बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर हो, किस चीज का काम करेंगे, कौन से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, हमारा चैनल क्या होगा, आपस में दोनों के रोल्स क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे होंगे, इनकम का क्या करेंगे, कॉस्ट एंड पेमेंट कौन कैसे करेगा, ये सारी चीजें आपके पास बहुत अच्छे से रिटर्न में होनी चाहिए। वी कॉल इट वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट, तरह से बनाए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, दोनों पार्टनर्स अपने अपने काम कर पाए और फ्लेक्सिबिलिटी रहे दोनों को, क्योंकि किसी को ज्यादा दिन तक घोट कर रखोगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो फिर क्या, एवरीबडी नीड एवरीबडी रिक्वायर स्पेस, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है बहुत अच्छे से। जॉइंट वेंचर में भी ध्यान रखिए, एवरीबडी रिक्वायर स्पेस, फ्लेक्सिबिलिटी हो दोनों की अपने अपने बिजनेस का, एंड लास्ट एग्जिट रूट भी होना चाहिए, जन्म जन्म के वादे ना करें, बेटर है कि क्लियर रखें कि अगर हमें कभी सेपरेट होना पड़ा कैसे होंगे, एग्जिट रूट हमेशा रखकर आपको रखना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर बाहर जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकता है, एग्जिट रूट क्या होगा, वैल्यूएशन कैसे करवाएंगे उस समय बिजनेस का, क्योंकि जितना वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग उस पार्टनर को पैसे देके बाहर करना पड़ेगा, तो सब चीजें वेल डिफाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, जॉइंट वेंचर फॉर्म कैसे करेंगे, तो उसके लिए डिपेंड करता है जॉइंट वेंचर की। अब इस चीज को मैं पढ़ाने की जगह डिस्कस ही करना पसंद करूंगा कि जॉइंट वेंचर दो तरह के होते हैं, इक्विटी बेस्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। एग्जाम्पल, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर वो होते हैं जहां दोनों पार्टीज मिलकर एक नई एंटिटी क्रिएट करते हैं, वो नई एंटिटी पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी कंपनी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक, इक्विटी जॉइंट वेंचर का मतलब है कि दोनों पार्टीज मिलकर एक नई एंटिटी क्रिएट करेंगी, इस नई एंटिटी पर कॉमन, इस नई एंटिटी पर शेयर्ड कंट्रोल होगा, शेयर्ड ऑनरशिप होगी, शेयर्ड असेट्स होंगी, शेयर्ड कैपिटल होगी, शेयर्ड प्रॉफिट होगा, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड, इस रेशियो में जितना आपका उसमें शेयर है, कंपनी है तो शेयर, एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म में तो प्रॉफिट शेयरिंग, जितना आपका कैपिटल में कंट्रीब्यूशन है ये सब कुछ शेयर्ड होगा, इसी को कहते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट। तो दोनों मिलकर कुछ पैसा लगाएंगे उस कंपनी में, दोनों मिलकर उस कंपनी में कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों मिलकर एफर्ट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों मिलकर मैनेजमेंट करेंगे, दोनों मिलकर प्रॉफिट शेयर करेंगे, एवरीथिंग इज शेयर, इक्विटी बेस्ड जॉइंट। लेकिन क्या जरूरी है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में हर कुछ शेयर्ड रहे, शेयर्ड कैपिटल, शेयर्ड प्रॉफिट, शेयर्ड एफर्ट? बेसिक है कि ये करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं सारी करेक्टरिस्टिक्स फुलफिल, ओके, बट ये कंपल्शन नहीं कि सारी करेक्टरिस्टिक्स एक साथ फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जांपल, फॉरेन के एंटरप्राइज ने और आपने मिलकर एक नई एंटिटी क्रिएट की, जॉइंट वेंचर के पर्पस से इक्विटी बेस्ड हो गया, तो फिर ये, बट जरूरी नहीं दोनों शेयर्ड कैपिटल करें, उन्होंने ना टेक्नोलॉजी हमें दी है और हमें पूरा मैनेजमेंट, आप समझ पा रहे, तो पैसा उनका मैं, बट है तो फिर भी है तो ये इक्विटी। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे क्योंकि एफडीआई अलाउड नहीं, ऐसा सेक्टर है इसमें एफडीआई अलाउड नहीं, फिर भी इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर करना तरीका है ना, वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट देंगे और पैसा हमारा, मेहनत हमारी, वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट आईपीआर पूरा, ये भी फिर भी क्या कहलाएगा, डेफिनेटली एफडीआई। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होते हैं? जब हम एक नई एंटिटी क्रिएट नहीं करते फिर भी साथ में मिलकर काम कर, जैसे स्ट्रेटेजिक अलायंस, हमने कहा था कि नाहटा वालों से किसी ने कहा कि सर हमारी यहां पर बहुत अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छा हमारी ब्रांडिंग है, बहुत अच्छा हमारा नाम है, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, एडवर्टाइजमेंट पूरा हम करेंगे, ब्रांडिंग पूरी हमारी, प्रीमाइस पूरा हमारा, आपकी जो बहुत ये वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज है आप हमारे यहाँ भेजो टाइम टू टाइम, ये यहाँ आकर पढ़ा दें सर, क्या हम नई एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, बट ये जॉइंट वेंचर है क्या? यस, कौन सा जॉइंट वेंचर कहलाएगा? कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, इट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस, नई एंटिटी क्रिएट नहीं की जाती है, तो दोनों एंटिटीज मिलकर उसका कुछ मैनेजमेंट करेंगी, कुछ कोई एंटिटी पर्टिकुलर पैसा लगाएगी, कोई एंटिटी अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करेगी, तो ये चलता है। इवन फ्रेंचाइज इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, क्योंकि कोई नई एंटिटी क्रिएट,
जनरली एडवाइस होती है कि स्टार्टिंग में आपका जॉइंट वेंचर कौन सा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट, स्टार्टिंग में आपका जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्चुअली रखें। वो तो हमको सिखाया भी था ना, स्टार्टिंग बहुत ढंग से करें, आराम से अपने जॉइंट वेंचर को डेवलप करें धीरे धीरे, तो पहले तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअली होगा। पर हम तो अभी जाते हैं एक जॉइंट वेंचर किन स्टेप्स के थ्रू गुजरते हैं उन सबके हम बात करें। ज्वाइंट वेंचर्स में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इस बारे में भी हमें बात करनी है, बट इसको डिस्कस करने के से बेटर है कि हम इसको समराइज करके पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा हो। चलिए तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, तीन स्टेज में से होकर गुजरता है एक ज्वाइंट वेंचर। बेसिकली ऐसा होना चाहिए, डायरेक्टली जाकर नई कंपनी बनाने से बेहतर है पहले समझें, ज्वाइंट वेंचर रिलेशन स्टार्ट करें, बड़े बड़े वादे ना करें, पहले धीरे धीरे स्टार्ट करें, और जब आपको सब कुछ सही लगता है तब जाकर एक नई करें, तब फुल फ्लेज्ड बिजनेस स्टार्ट। पहली स्टेज होती है फेमिनराइजेशन स्टेज, जहाँ दोनों पार्टनर ऑब्वियस से काम तो करना स्टार्ट करेंगे लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। फेमिनराइजेशन स्टेज, दोनों एक दूसरे को समझ लें, और यहाँ पर केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के लिए होता है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ बहुत ज्यादा लीगल टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं की जाती, दैट इज फेमिनराइजेशन। आगे बढ़ाएं तब फिर हम चलते हैं इंगेजमेंट फेज में, जहाँ फिर धीरे धीरे हम पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं और बिजनेस करना स्टार्ट। लेकिन यहाँ तक हमारा ज्वाइंट वेंचर नई एंटिटी के फॉर्म में क्रिएट नहीं होता है, हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर। और फिर होता है कंक्लूडिंग स्टेज, जब आपको लगता है कि आप बिजनेस और बढ़ाना चाहिए और एक नई एंटिटी के फॉर्म में करना चाहिए, ताकि उसमें सब कुछ शेयर रहे और फिर प्रॉफिट भी हमें वहां से शेयरिंग करने को मिल रहा है, तब फिर हम जाते हैं इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में कंक्लूडिंग। चलिए तो इसे पढ़ लेते हैं जॉइंट वेंचर के डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए पहले स्टेज समझनी पड़ेगी और हर स्टेज पर डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग है, यही उन्होंने लिखा। पहली स्टेज फेमिनराइजेशन स्टेज, पहली स्टेज फेमिनराइजेशन स्टेज, जहां दोनों पार्टनर्स दे ट्राई टू नो ईच अदर। सेकेंड स्टेज में भी कॉल्ड एंगेजमेंट फेज, जहां एक लेवल ऑफ कमिटमेंट आ जाता है बट बहुत शॉर्ट टर्म। फाइनल स्टेज, जहां ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पर हम पहुंच जाते हैं जॉइंट वेंचर। हर स्टेज पर डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट है। इंडियन कंपनी स्टार्टिंग में करती है एमओयू, ब्रीफ डॉक्यूमेंट विदाउट लीगल जार्गन्स। एमओयू में लिखा रहता है दोनों पार्टीज की ड्यूटी और फ्यूचर का रोड मैप, रोड मैप मतलब क्या क्या करेंगे। इंगेजमेंट फेज में हम एक कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर पर आते हैं, पार्टीज अब रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ रिसोर्स पुट करना स्टार्ट करती है, इसीलिए एक वेल ड्राफ्टेड लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट अब जरूरत होती है, कॉन्ट्रैक्ट होगा बहुत अच्छे। ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स ड्यूरेशन का रहता है, हम ये बोलते हैं कि जब तक इतने पर ना पहुंच जाए तब तक हम कॉन्ट्रेक्चुअली रखेंगे। 10 करोड़ का टर्नओवर ना हो जाए या एटलीस्ट 2 साल ना हो जाए तब तक हम ज्वाइंट वेंचर कॉन्ट्रेक्चुअली रखेंगे। ड्यूरेशन या टारगेट, तब तक पार्टीज आपस में कॉन्फिडेंस भी डेवलप करें, और उसके बाद फिर आता है इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट। और फिर यहां जाकर बनता है ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, एलएलपीडी, डिपेंडिंग ऑन कंपनी में जा रहे हो या एलएलपी में या पार्टनरशिप। इसको पढ़ने की जगह हम ये पढ़ेंगे एलएलपी एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के कंपोनेंट। क्या क्या लिखते हो आप ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट? सबसे पहले एग्रीमेंट का नेचर, सब एग्रीमेंट का डिस्क्रिप्शन, कौन कौन सी पार्टीज के बीच में हो रहा है, रिसाइटल्स का मतलब क्या, पार्टीज का इंटेंशन क्या है, आज की सिचुएशन क्या है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिचुएशन इट इज एग्जिस्टेड प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एग्रीमेंट, ऑपरेटिव पार्ट यही तो मेन पार्ट है, डिफाइन द रूल फॉर द फ्यूचर्स, नई एंटिटी का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, कौन कौन कितना कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन कौन क्या क्या एक्टिविटीज करेगा, बोर्ड पर किसका, अब जब हम नया, अब जब हम बना ही रहे हैं नई एंटिटी तो उसके बोर्ड पर कितने लोग, 4 अगर बोर्ड मेंबर बनाएंगे तो 2 हमारे 2 उनके या 3 हमारे 1 उनके, कैसे करेंगे, बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा, एमडी कौन बनेगा, उनके पावर्स क्या रहेंगे। नेक्स्ट लीगल आस्पेक्ट, जेवी को, जेवी एग्रीमेंट को अमेंडमेंट कैसे करेंगे, कब तक का ड्यूरेशन हमें जेवी का रखना है,
बंद कैसे करेंगे, टर्मिनेशन, डिस्प्यूट्स कैसे रिजोल्व होंगे लाइक आर्बिट्रेशन के थ्रू, कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे की पास ऑन नहीं करेंगे किसी को, नॉन कॉम्पीट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस दिन ये ज्वाइंट वेंचर टूटा उसके 5 साल तक कोई भी एंटिटी इंडिविजुअल नाम में ये वाला काम नहीं करेगी, तभी तो आप उससे बच पाओगे कि आप कॉम्पिटिटर क्रिएट मत कर लेना। इंडेमनिफिकेशन, किसी पार्टी की गलत चीजों की वजह से किसी दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ तो कैसे वो पार्टी बियर करेगी और चीजें एग्जीक्यूट कैसे करेगी, इनकी प्रोसेस। तो ये ब्रीफ डॉक्यूमेंट, ब्रीफ चीजें बता दी जो हमारे ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट पार्ट। द लास्ट वन इज स्पेशल पर्पस, नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी एंटिटी है, वही एलएलपी के फॉर्म में भी हो सकती है, कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती है, ऐसी एंटिटी विच इज फॉर्म्ड टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस, कॉल इट स्पेशल पर्पस। और उसके लिए जो एंटिटी बनाई वी कॉल इट स्पेशल पर्पस। क्यों बनाते हैं ऐसी एंटिटीज, दो चीजें पढ़नी, क्यों बनाते हैं, एडवांटेजेस क्या है। तो जो जिस रीजन से हम बना रहे हैं वही बेसिकली एडवांटेजेस है, सही बताऊं तो। एल एल पी किस फॉर्म में बन सकती है, वही पार्टनरशिप, ट्रस्ट, कंपनी, एथिक्स। कई बार गवर्नमेंट ही कहती है कि इस काम को करने के लिए आप एक एंटिटी ही बना लो, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि सब अपने अपने यहाँ स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट कंपनी बना लो, ठीक है। तो हमें तो सबसे पहले पढ़ना है बेनिफिट ऑफ एस, स्टार्ट करते बेनिफिट नंबर वन, असेट्स की। तो इसके थ्रू हम सिंगल असेट्स के ऑनर एक से ज्यादा रख सकते हैं, अगर एक असेट को दोनों को मिलकर खरीदना था तो नहीं हो पाता, बट बेटर यह है कि आप एक कंपनी बनाओ और कंपनी फिर असेट्स खरीदे और कंपनी पर ऑनरशिप आपकी रहे, तो रिजल्ट इनटू ऑनरशिप ऑफ असेट बाय मोर देन वन पार्टी। दूसरा, अगर अच्छा जनरली करते क्यों है, एसपीवी जनरली बनाते क्यों है, कि एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसे एक पर्टिकुलर बिजनेस करना है, तो वो यही चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर बिजनेस हम नई एंटिटी बनाकर ही करें। उससे क्या होगा, उससे हमारा बिजनेस और वो दोनों बिजनेस सेपरेट रहेंगे, हाँ भले ही वो एंटिटी कंट्रोल हम करेंगे लेकिन सेपरेट एंटिटी तो रहेगी, उस बिजनेस के फेल होने से हम पर फर्क नहीं पड़ेगा, इस बिजनेस के फेल होने से उस नए बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बिजनेस अगर हमारी होल्डिंग कंपनी हो जाती है बैंकरप्ट, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो हो जाती बैंकरप्ट हम पर इंपैक्ट नहीं आएगा। वो कंपनी नया बिजनेस करने के लिए लोन लेगी, उससे हमारी डेट टेकिंग कैपेसिटी अफेक्ट नहीं होगी। दोनों होल्डिंग सब्सिडरी आपस में, हाँ होल्डिंग सब्सिडरी हम बोल रहे हैं एक तरीके से, तो दोनों का आपस में होने वाले इंडिविजुअल कंपनी पर होने वाले डिस्प्यूट से लगने वाले केस से दूसरी कंपनी अफेक्ट नहीं होगी, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो एक और बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर यही बिजनेस आप अपनी ही बड़ी कंपनी में करते तो आपकी बड़ी कंपनी में तो बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, इवन सेबी, आईसीडीआर, एलओडीआर, कितनी एप्लीकेबिलिटीज हैं, लिस्टेड होंगे तो नई कंपनी बनाओ उसमें वो बिजनेस करो, स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट कम होता है, डॉक्यूमेंटेशन की क्लेरिटी होगी, एसपीवी के डॉक्यूमेंट एसपीवी के ही ऑथोराइज लोग देखें, एसपीवी का बिजनेस संभालने वाले लोग ही देखें। और अगर यही बिजनेस आपने अभी किया होता पेरेंट कंपनी में, पेरेंट कंपनी के लोग पूरा वो बिजनेस पर कंट्रोल रखते हैं। नेक्स्ट, कई बार ऐसा करते हैं टैक्स बेनिफिट्स अचीव करने के, क्या करते हैं हमें हमारे इंडिया में जो हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसे यूरोप की किसी कंट्री में जाके कोई बिजनेस करना है। अब ये बिजनेस अगर इंडियन कंपनी जो अभी है उसी के नाम पर करते हैं रेदर देन क्रिएटिंग एन स्पेशल पर्पज व्हीकल, तो इस कंपनी को पूरे उस फॉरेन की इनकम पर टैक्स इंडिया में लगता है क्योंकि ये तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्या करो, एसपीवी बनाओ यूरोप की ही उस कंट्री में जाके बनाओ, और हो सकता है वहां उस कंपनी पर इनकम टैक्स ही ना लगे क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज में फॉर एग्जांपल टैक्स नहीं, तो आपको टैक्स बेनिफिट्स। दूसरा अकाउंटिंग रीजन होता है कि हम बाहर के लॉस इसकी बैलेंस शीट में नहीं लाना चाहते, वो सेपरेट रखना चाहते हैं, इसलिए भी एक रीजन होता है अकाउंटिंग रीजन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर जी, बड़ा एडवांटेज ये है कि रिस्क सेपरेट हो गई, एसपीवी और उसकी बनाने वाली स्पॉन्सरिंग कंपनी दोनों एक दूसरे से प्रोटेक्टेड है, एक की होने वाली इंसॉल्वेंसी से दूसरा अफेक्ट नहीं हो, एसपीवी की वजह से सिक्योरिटाइजेशन भी हो जाता है। तो आप जानते हो सिक्योरिटाइजेशन, तो जब भी बैंक एक्सेट्रा को सिक्योरिटाइजेशन वाला काम करना होता है तो लाइक एआरसी एक्सेट्रा वो खुद की एंटिटी बना लेती है, तो सेपरेट पर्पज व्हीकल के थ्रू सिक्योरिटाइजेशन का काम भी होगा,
एसपीवी के पर्पस, अब यही तो है एसपीवी के पर्पस। पहला पर्पस है रिस्क सेपरेट करना, दूसरा पर्पस है बिजनेस सेपरेट रखना, तीसरा पर्पस है टैक्स बेनिफिट, चौथा पर्पस है कि लीगलिटी, मतलब लीगलिटी सेपरेट रखना कि उन पर होने वाले कोई केस से हम अफेक्ट ना हो। पांचवा पर्पस हो सकता है सिक्योरिटाइजेशन, राइट। और कई बार गवर्नमेंट हम भी कहती है कि आप ये काम करने के लिए सेपरेट एंटिटी क्रिएट, ठीक है, दिस रीजन कि हम एसपीवी क्रिएट। एसपीवी और कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है भैया? एसपीवी एक बिजनेस करने का तरीका है और बनाते तो उसके लिए भी हम कंपनी है, तो एसपीवी और कंपनी के बीच में डिफरेंस बात अगर करें तो कंपनी एक जनरल पर्पस व्हीकल होती है जिसमें बहुत सारे काम कर सकते हो, और एसपीवी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ही बनाई, और एसपीवी आप कंपनी एलएलपी सारे फॉर्म में क्रिएट कर ही सकते। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एस्टेब्लिश कैसे करते हैं? तो क्या एसपीवी को कोई तो बनाने वाला होगा? ऑब्वियसली प्रमोटर स्पॉन्सर इट से, तो जो स्पॉन्सरिंग कॉर्पोरेशन होती है लाइक रिलायंस ने आप 25 बिजनेस चला रखे हैं तो सबके लिए अलग अलग कंपनी इनकॉर्पोरेट करी हुई है ना, तो क्या करते हैं? सबसे पहले असेट्स को हमें हाइव ऑफ करना, वहां से असेट्स बाहर निकाल के यहाँ क्रिएट करनी पड़ती है कंपनी, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ द असेट इज इम्पोर्टेंट, अगर है तो आइसोलेशन, नहीं है तो उसी में नहीं क्रिएट करें, तो इस वजह से असेट्स और एक्टिविटी पेरेंट कंपनी से डिस्टेंस्ड हो जाती है। इसीलिए परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू एंटिटी अफेक्ट नहीं करता ओरिजिनल एंटिटी, ओरिजिनेटिंग एंटिटी। एसपीवी की रिस्क कम होती है और ग्रेटर कंफर्ट होता है लेंडर्स के लिए, और उस एसपीवी जो लोन लेगी उससे हमारी डेट टेकिंग कैपेसिटी पेरेंट के अफेक्ट भी नहीं हो। नेक्स्ट, क्या सर दोनों में डिफरेंस होता होगा कि पूरा कंट्रोल हमारा ही रख ले बेटा? अगर आपका पूरा कंट्रोल उस पर दिख रहा है तो फिर वो सब्सिडरी कहलाएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है डिस्टेंस बिटवीन द स्पॉन्सरिंग कंपनी एंड द एसपीवी। अगर एब्सेंस ऑफ द एडिक्वेट डिस्टेंस है, हाँ, एंड एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डिस्टेंस बिटवीन द स्पॉन्सर एंड द न्यू एंटिटी, एडिक्वेट डिस्टेंस नहीं है आप दोनों में, कंट्रोल पूरा आपका ही है, तो फिर वो सब्सिडरी कहलाएगी ना कि एसपीवी। गुड एसपीवी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, स्पॉन्सरिंग कंपनी से इंडिपेंडेंट रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस डज नॉट हैपन इन प्रैक्टिस। एक्चुअली अल्टीमेटली बनता क्या है कि हमारा नया बिजनेस चलाने का बस वो एक फंडा है। वन ऑफ द रीजन फॉर द कॉलेप्स ऑफ द एनरॉन एसपीवी, जो एनरॉन एसपीवी का कॉलेप्स क्यों हुआ था, इट बिकेम अ व्हीकल फॉर फर्दरिंग द एंड ऑफ द पेरेंट कंपनी। तो आपको ना वॉयलेशन करना था प्रूडेंशियल नॉर्म्स का, वॉयलेशन करने के लिए आपने क्या करा, खुद तो कर नहीं सकते थे, नई कंपनी बनाई उसमें फंडिंग करते थे और उसके थ्रू फिर आपको नॉर्म्स को वॉयलेट कर रहे थे, तो फिर जनरली फिर वो एक तरह से आपकी कंपनी मानी जाएगी ना कि सेपरेट एंटिटी, फिर वो तो आपकी एक तरह से सब्सिडरी है, ठीक। तो ये था एक और हमारा चैप्टर ज्वाइंट वेंचर और स्पेशल पर्पस। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं ट्राई करूंगा डिस्कस करने का कुछ और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक स्टार्टअप्स और सेटिंग अप ऑफ एंटिटीज आउटसाइड इंडिया, इन दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ हैप्पी लर्निंग और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।